डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है 2024 का, बीएससी सेकंड ईयर का ईयरली सिस्टम का क्वेश्चन पेपर है। ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री का पेपर है और पेपर का जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री है। 50 मार्क्स का, 3 घंटे का इसमें हमारे पास समय है। इसमें सेक्शन ए बी के सब क्वेश्चन कंपलसरी हैं और सी से आप हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट सेक्शन है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर है। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें से पढ़ रही हूँ स्टूडेंट, साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? द मैथमेटिक्स रिलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज। Which of the following is true of our cyclic process? The efficiency of the nest engine is given by feed entropy of the system increases in the order. फिर यह 8th आ गया, 9th आ गया, which is correct statement? 10th है, the sum of transport number eleventh, the site of oxidation in an electrochemical cells period 12th aa gaya 13th 14th, the phase rule is expressed to us. 15th, the degree of dissociation of 2N electrolytes depends upon cell reaction is spontaneous when. Section B, short answer type questions hai. This is the first question hai, ye Ostwald डाइल्यूशन लॉ को बताना है, एक्सप्लेन करना है, स्टेट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। फिर ली शेटिलिए प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना विद सुटेबल एग्जांपल के साथ। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। फिर फोर्थ है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है, ड्रॉ द फेजेस डायग्राम ऑफ सी ओ टू सिस्टम। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, 6 क्वेश्चन है। फिर 7th में फिर से लॉ, ये जो है कोलराउश लॉ को एक्सप्लेन करना है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, टाइप 25 क्वेश्चंस। एक्सप्लेन करना है फेज डायग्राम ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन में इस सिस्टम को। नेक्स्ट आ गया ये हमारा हाउ इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिटरमाइंड बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट्स। फिर यह गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण यानी इक्वेशन को ड्राइव करना है और इसके एप्लीकेशन लिखनी है। 4th क्वेश्चन, फिर नोट्स लिखने हैं इनके ऊपर। 5th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। सिक्स क्वेश्चन, सेवेंथ में फिर 2 पार्ट हैं नोट लिखने हैं इन पे। 8th क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ए बी सी डी। ये लास्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी, इन पर नोट्स लिखने हैं। इस क्वेश्चन पेपर में इतना ही स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।